हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू बालाजी ऑनलाइन क्लासेस। आई एम सादिया खातून एंड टुडे आई विल बी टीचिंग यू कंप्यूटर ऑफ क्लास 6। सेकंड चैप्टर ऑफ योर टेक्स्ट बुक इज ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज 7। ओके, सो यू नीड टू गेट दिस टर्म इन योर माइंड दैट व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम कनेक्ट्स द यूजर विद द हार्डवेयर। ठीक, ये क्या है, एक तरह का कनेक्शन स्टैब्लिश करता है। हम लोग यूजर हैं, हम कंप्यूटर के हार्डवेयर में वो सीपीयू भी हो सकता है, वो मॉनिटर भी हो सकता है, वो कीबोर्ड माउस एनी हार्डवेयर कैन बी देयर। और उससे हम लोग कैसे कनेक्ट करते हैं वो होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। सो ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड्स अस विद GUI। What is GUI? हम लोग उसका फुल फॉर्म बताते हैं, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो यूजर को एक इंटरफेस प्रोवाइड करना जिससे कि वो बहुत ही एफिशिएंटली और इजीली कंफर्टेबली इंटरैक्ट कर सके कंप्यूटर के साथ। तो जितना अच्छा इंटरफेस कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफर करेगा वो उतना अच्छा ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाएगा। ठीक, तो वील बी स्टार्टिंग अभी जो रिसेंटली जो यूज होते हैं मॉडर्न या नाउ डेज में, वो है एक जो सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है मैकिंटोश। सो चिल्ड्रन, मैकिंटोश इज बीइंग डेवलप्ड बाय एप्पल कंपनी और ये भी एक जीयूआई बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक, नेक्स्ट इज लाइनक्स। लाइनक्स जो है इसको कहा जाता है ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर वो होते हैं जो फ्री होते हैं किसी के लिए भी। ठीक, एनीबडी कैन यूज इट एंड एक्सेस इट, बट ये कमांड बेस्ड होता है तो इतना ज्यादा यूजर्स इसको यूज नहीं करते हैं लाइनक्स को। ठीक है, क्योंकि वो कमांड बेस्ड होता है। नेक्स्ट, द वाइडली यूज, जो नंबर ऑफ यूजर्स के बेसिस पर अगर कहा जाए जो सबसे ज्यादा यूज होता है वो है विंडोज। विंडोज के बहुत सारे वर्जन आ चुके हैं अभी प्रेजेंटली, तो आप लोग देख रहे होंगे विंडोज 10 चलता है, बट उससे पहले बहुत सारे वर्जन आ चुके हैं, लाइक विंडोज 98, विंडोज 2000, विंडोज XP, विंडोज विस्टा, फिर विंडोज 7, विंडोज 8.1। तो हमें विंडोज 7 के बारे में इस चैप्टर में स्टडी करनी है। ठीक है, तो विंडोज 7 भी एक GUI बेस्ड है और इसमें क्या क्या फीचर्स होते हैं, ये बहुत ही फास्टर है और इसका ये बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है। मतलब अगर देखा जाए, सबसे कंपेयर किया जाता है यूजर वाइज कि लोग किसको सबसे ज्यादा पसंद कर रहे हैं, किसमें ज्यादा कंफर्टेबल हैं। विंडोज XP भी काफी टाइम तक चला था, इवन स्कूल्स वगैरह में विंडोज XP इंस्टॉल करके दिया जाता था, बट अब दे हैव ऑल स्विच्ड टू विंडोज 7। अभी 10 लेटेस्ट है, बट अगर आप ज्यादातर देखोगे ऑफिस में या फिर स्कूल्स में तो आपको विंडोज 7 पर ही वर्क करने को दिया जाएगा। ठीक है, और ये डिवाइसेस पर अच्छे से काम करता है, मतलब आप अगर पर्सनल कंप्यूटर्स पर इसको चला रहे हैं या फिर लैपटॉप्स पर चला रहे हैं, ये एफिशिएंट है सब जगह का। फिर उसके बाद कैसे इस पे वर्क करते हैं, अब हम लोगों को इसके बारे में सीखना है। ठीक, तो जब कभी हम लोग विंडोज खोलते हैं तो उसमें क्या होता है कि उसमें लाइब्रेरीज होती हैं। ठीक, तो ये लाइब्रेरी जब आती है, अगर हम लोग लाइब्रेरीज का ऑप्शन खोलें तो बाय डिफॉल्ट का मतलब होता है जो पहले से हो, हमने अपने आप से नहीं किया, वो हमें पहले से मिली हुई हो, उसको डिफॉल्ट कहते हैं। तो बाय डिफॉल्ट हमारे पास 4 लाइब्रेरीज होती हैं। फर्स्ट वन इज डॉक्यूमेंट, जिसमें PDF फाइल हो या फिर वर्ड फाइल हो, डॉक्यूमेंट्स स्टोर होते हैं। देन म्यूजिक, जिसमें MP3 ऑडियोज स्टोर होते हैं। फिर पिक्चर्स, जिसमें इमेज फाइल्स स्टोर होती हैं, .jpeg या .png वाली फाइल्स जो होती हैं वो इमेज फाइल स्टोर होती हैं। एंड लास्ट इज वीडियोस, जिसमें .mp4 वाली मतलब वीडियो क्लिप्स स्टोर होती हैं। तो इस तरह से लाइब्रेरीज हम लोगों को, दीज वर डिफॉल्ट लाइब्रेरीज, बट हम अपनी तरफ से भी लाइब्रेरी इंक्लूड कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, उनकी लोकेशन सेट कर सकते हैं एज पर आर कन्वीनियंस। नाउ कम्स अबाउट द पर्सनलाइजेशन ऑफ योर कंप्यूटर। देखिए, जब बात होती है, हम लोग कहते हैं ना ये पीसी का मतलब होता है पर्सनल कंप्यूटर, तो हम अपने कंप्यूटर में कुछ अपनी तरफ से सेटिंग्स एंड ऑल कर सकते हैं। वो किस तरह से किया जाता है, आप थीम सेलेक्ट कर सकते हो कि आपको क्या थीम चाहिए, आप डेस्कटॉप बैकग्राउंड लगा सकते हो, कोई आपको पिक्चर अच्छी लगी, कोई इमेज फाइल अच्छी लगी उसको आप सेट एज डेस्कटॉप बैकग्राउंड कर सकते हो। आप साउंड स्कीम लगा सकते हो। साउंड स्कीम का मतलब होता है कि सपोज जब आप कंप्यूटर को शट डाउन कर रहे हो तब किस टाइप का साउंड उसमें प्ले होगा, जब आप अपना कंप्यूटर रीस्टार्ट कर रहे हो तो किस टाइप का साउंड प्ले होगा, उस टाइप की आप साउंड स्कीम्स को सेलेक्ट कर सकते हो। स्क्रीन सेवर लगा सकते हो। स्क्रीन सेवर का मतलब ये होता है, जब कभी आपने बहुत देर तक ही अपना कंप्यूटर यूज नहीं किया, सपोज वो ऑन है सिस्टम, लेकिन आपने कुछ भी टच नहीं किया, ना ही कीबोर्ड पे कुछ टाइप किया, ना ही माउस से कुछ भी कर्सर को मूव किया, तो उतनी देर के लिए वो स्टैंडबाई पर होता है। तो आप उतनी देर के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप लगा सकते हैं कोई स्क्रीन सेवर, तो वो चलने लगता है। कभी कभार आपने देखा होगा बबल्स लोग लगा देते हैं, कभी ब्रिक्स टाइप का बनने लगता है। इस टाइप के डिफरेंट स्क्रीन सेवर्स ऑफर होते हैं बाय विंडोज। नेक्स्ट इज यू कैन चेंज द टेक्स्ट साइज।
ठीक, जैसे कितना बड़ा आपको दिख रहा है उसका आप टेक्स्ट साइज चेंज कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट हमारे कंप्यूटर में सेटिंग होती है स्मॉलर की, तो आप चाहो तो मीडियम पे कर सकते हो, थोड़ा सा उससे और बड़ा हो जाएगा, या फिर लार्जर पे लगा सकते हो तो फिर और उससे इमेज जो फॉन्ट होंगे टेक्स्ट फॉन्ट वो थोड़े से बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट इज यूजर अकाउंट पिक्चर। यूजर अकाउंट क्या होता है, कभी कभार आपने किसी का कंप्यूटर सपोज खोला तो वो जब खुलता है तो वो आपको एक कुछ आइकन टाइप का बनकर आएगा और उसमें कहते हैं कि ये आप यूजर को खोलना चाहते हैं या ये यूजर खोलना चाहते हैं। किसी किसी में पासवर्ड लगा होता है, फॉर एग्जांपल अगर आप स्कूल का ही एग्जांपल ले लो कि किसी स्कूल में आप सपोज एक एडमिन का है और एक स्टूडेंट्स के लिए, ठीक, तो आपको पहले दो पिक्चर्स वो जो अकाउंट्स दिखकर आते हैं उसकी आप पिक्चर सेलेक्ट कर सकते हो, उसमें पिक्चर अपने अकॉर्डिंग लगा सकते हो। नेक्स्ट इज डेस्कटॉप गैजेट्स। गैजेट्स क्या होते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल आप अपनी स्क्रीन पर क्या क्या गैजेट्स, आप प्लीज ये मत समझना कि गैजेट्स का मतलब आइकन्स होता है, आइकन्स इज अ डिफरेंट थिंग, गैजेट्स इज अ डिफरेंट थिंग। गैजेट्स में आप सपोज क्लॉक लगा लिया आपने, या फिर आपने कैलेंडर लगा लिया, या फिर आपने कैलकुलेटर लगा दिया, जो आपको ज्यादा जिसका काम रहता हो, फ्रीक्वेंटली यूज्ड चीजें हो उनको आप एज अ गैजेट लगा सकते हो ऑन डेस्कटॉप। चिल्ड्रन दिस वाज इट, योर चैप्टर इज कंप्लीटेड, होप यू हैव अंडरस्टूड द चैप्टर, गो थ्रू इट लाइन बाय लाइन एंड सी द पिक्चर्स बिकॉज इसमें प्रॉपरली इलस्ट्रेट भी किया गया है आपको पिक्चर दिखा दिखा कर, तो यू विल बेटर अंडरस्टैंड इट, सो डू रीड इट एंड आफ्टर दैट यू विल हैव टू डू द क्वेश्चन आंसर्स एंड द एक्सरसाइजेस। यू विल बी गेटिंग इट ऑन स्कूल मित्रा, यू कैन गो एंड डाउनलोड इट फ्रॉम देयर एंड कंप्लीट योर वर्क एंड टिल माई नेक्स्ट वीडियो, स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी, बाय बाय।